Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आपको अगर अभी तक कहीं से भी लोन नहीं मिला है तो आपको यहां पर मिलने वाला है 2 लाख रुपए तक का लोन। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस मनी की। अब आप ले सकते हैं रिलायंस मनी से 2 लाख रुपए तक का लोन, इंस्टेंटली यहां पर अप्रूवल मिल जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। और गाइस मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। जो लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं बोलते हैं कि भाई को ट्रस्टेड कंपनी के बारे में बताइए, तो मैं आपसे यहां पर बोलना चाहता हूं कि ट्रस्टेड कंपनी है, यहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या आपको करना होगा लोन लेने के लिए, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए मेहमान है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके चल जाना, क्योंकि भाई फाइनेंस रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सो गाइस ये एक ट्रस्टेड कंपनी है, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है लोन लेने के लिए तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या आपको करना होगा लोन लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे सीधा रिलायंस मनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, ऊपर यहां पर एक प्रोडक्ट का एक यहां पर टैब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। आपने यहां पर टैप करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट पर टैप करते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा आपको अभी यहां पर दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रोडक्ट पर टैप करते हैं, और जैसे प्रोडक्ट पर टैप करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की ओर, तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस आपके लिए यहाँ पर कई तरह के लोन अवेलेबल है। आप यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं, जो एक छोटे व्यापारियों के लिए लोन होता है। उसके बाद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टू व्हीलर लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यूज्ड कार के लिए लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ माइक्रो लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक छोटे व्यापारियों के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी ये लोन ले सकती हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, अपना घरेलू काम करना चाहते हैं, तो भी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं महिलाएं भी। और अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, ये एक तरह मुद्रा लोन की तरह ही है, तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ का, साइड में आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। आप यहां फीस एंड चार्जेस भी देख सकते हैं, क्या फीस लगने वाली, क्या चार्जेस लगने वाले हैं, वो आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल यहां पर दे रखी है, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप यहां पर, फीचर देख सकते हैं आप यहां पर, ठीक है। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट करना है मिस्टर एंड मिस, जो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, रेजिडेंस, फोन नंबर, और नीचे कमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर लोन के बारे में, ठीक है। और आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये लोन अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो गाइस पर्सनल लोन पर टैप कीजिए, जैसे पर्सनल लोन पर आप टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विकली आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे, हैसल फ्री आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्या देने हैं, फीचर्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, फीस एंड चार्जेस देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गाइस, अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से समझना होगा लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या चार्जेस वगैरह होते हैं, कितने दिन में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले फीचर्स के बारे में। अगर मैं फीचर पर क्लिक कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। 12 से 48 महीने के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी आपके वहां पर वेरीफाई होते हैं। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के लोन अमाउंट आपके बैंक के अंदर दे दी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं लोन लेने के लिए। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको देने होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हो। पिछले 6 महीने की सैलरी बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर देनी होगी लोन लेने के लिए। आप यहां पर फीस एंड चार्जेस भी देख सकते हैं कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो क्या चार्जेस लगने वाले हैं, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो क्या चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। फीस एंड चार्जेस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि अगर आप यहां पर लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो कितना चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल आप यहां पर दे सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम 1 लाख रुपए का लोन ले तो उसकी ईएमआई कितनी होगी,
तो आप यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ईएमआई कैलकुलेट पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी है, कितना लोन आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं, 12% पर एनएम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट है, और जो इसका टाइम पीरियड है वो 24 महीने है, या फिर अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर लीजिए कितने महीने के लिए आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पर 24 महीने करके दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आ जाएगी ईएमआई, कितनी ईएमआई जाने वाली। तो आप यहाँ से 4,707 रुपए की ईएमआई हर महीने जाने वाली है, अगर आप 1,00,000 रुपए का लोन 24 महीने के लेते हैं 12% इंटरेस्ट पर। सो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज कॉन्टेक्ट अस में आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं लोन के लिए। तो गाइज आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करने के बाद साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखना है आपको SMS में LOAN लोन, और इसको भेज देना है 561616 पर, ठीक है। आपने भेजना 5616 5616, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। लोन लिखना है यहाँ पर, आपने इसको सेंड कर देना है। उसके पास आपके पास बैक कॉल आने वाली है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की, वो आपसे बात करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और जो इसका दूसरा तरीका है उसके अंदर आप अपनी थोड़ी डिटेल देने के बाद यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर न्यू कस्टमर है, ठीक है। साइड में आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप यहाँ पर बात करें कस्टमर केयर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जोन सा भी लोन आप लेना चाहते हो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग तरह के लोन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने एक लोन के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लोन अभी सिलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ आगे क्या करना आपको, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर करना क्या है गाइस, उसके बाद आपको यहां पर सिलेक्ट टाइटल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट टाइटल पर क्लिक करना है, आपने यहां पर मिस एंड मिसेस जो भी आपने यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका रेजिडेंस, फोन नंबर, और नीचे आप लिख सकते हैं कि आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं और क्यों लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने नीचे इसको सबमिट कर देना है। ये कुछ वेरिफिकेशन टेक्स्ट है, इसको करने के बाद, लिखने के बाद, और सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं उसके बाद आपके पास बैक कॉल आने वाली है, ठीक है। चाहे आप SMS कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, आपके पास बैक कॉल आने वाली है, आपसे पूछेंगे। गाइज मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रिलायंस मनी सभी सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी सिटी के अंदर ये है तो आपको यहाँ पर 100% लोन मिल जाएगा। मैं आपसे एक बात और बता देना चाहता हूँ गाइज, ऑनलाइन लोन लेने से अच्छा ऑफलाइन है। ऑफलाइन आपको जल्दी लोन मिलता है क्योंकि वहां पर ऑफलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। ऑनलाइन तो डिजिटल है भाई, आपके किसी भी एक छोटी सी कमी के ऊपर भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन क्या होता है, आपको लोन 100% मिल जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर या तो लोन लिखकर SMS कर दीजिए, या फिर आप थोड़ी बहुत डिटेल देकर आप वहां पर सबमिट कर दीजिए। आपके पास कॉल आएगी, ठीक है। कॉल आने के बाद आपसे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद आपके अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो आपको यहां पर लोन मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी वीडियो रिलायंस मनी पर, मुझे उम्मीद आपको समझ आएगा किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको यहां पर लोन मिलने वाला है। सो गाइज चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।